हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल द लेमन मंकी। आज आप जानेंगे 2008 में आई क्राइम ड्रामा फिल्म ब्रॉन्सन की कहानी और इससे जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। इसे डायरेक्ट किया है निकोलस वाइंडिंग रेफ ने और इसमें मेन लीड एक्टर है टॉम हार्डी। तो चलिए अब और देर ना करते हुए लेट्स बिगिन। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं चार्ल्स ब्रॉन्सन नाम के आदमी को, जो कि एक थिएटर में ऑडियंस को अपनी कहानी बताता है। ब्रॉन्सन बताता है कि वो हमेशा से फेमस होना चाहता था। और फिर सीन ब्रॉन्सन की फ्लैशबैक स्टोरी पे शिफ्ट होता है और ब्रॉन्सन हमें एक सेल में नेकेड बन दिखता है, जहां वो पुलिस से लड़ने के लिए वार्म अप कर रहा था। तभी पुलिस ब्रॉन्सन को सेल से निकालने के लिए आती है और सेल का दरवाज़ा खुलते ही ब्रॉन्सन उन सबको मारने लगता है। और इतने ऑफिसर्स को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रॉन्सन एक बहुत ही वायलेंट इंसान है। इतनी लड़ाई के बाद पुलिस किसी तरह से ब्रॉन्सन को कंट्रोल कर लेती है। ये था इस फिल्म का इंट्रो और साथ ही में हम जान पाते हैं कि ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। आगे ब्रॉन्सन बताता है कि उसकी अपब्रिंगिंग में कोई खराबी नहीं थी। उसके पेरेंट्स बहुत शरीफ और शहर के रिस्पेक्टेबल लोग थे, पर ब्रॉन्सन बचपन से ही बहुत वायलेंट था। वो स्कूल में रोज़ किसी ना किसी से लड़ता रहता था, कभी बच्चों से तो कभी खुद के टीचर से। आगे वो बताता है कि उसने उसकी पहली जॉब में ही काउंटर से पैसे चुरा लिए थे, जिस वजह से पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके घर आती है और ब्रॉन्सन उन ऑफिसर को मारने लगता है। आगे ब्रॉन्सन एक गन बनाता है एक पोस्ट ऑफिस लूटने के लिए, जहां बस वो इतने ही पैसे चुरा पाता है। पुलिस ब्रॉन्सन को पकड़ लेती है और कोर्ट उसे 7 साल की सज़ा सुना देता है। आगे हम ब्रॉन्सन को एक सेल में बंद देखते हैं और वो लाइव ऑडियंस से कहता है कि उसके लिए जेल हमेशा से एक होटल की तरह था और जेल में बंद रहना उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, जहाँ वो अपना नाम बना सकता था। आगे जेल में ब्रॉन्सन हमेशा पुलिस वालों से लड़ता रहता है, जिस वजह से ऑफिसर्स उसे नए नए सेल्स में शिफ्ट करते रहते थे। कुछ दिन बाद पुलिस वालों को चाय सर्व करते हुए ब्रॉन्सन को पॉल नाम का कैदी मिलता है, जो उसकी फाइटिंग स्किल्स की तारीफ करता है। फिर ब्रॉन्सन अपनी ऑडियंस को बताता है कि उसने कुछ समय में अपना नाम बना लिया था। ब्रॉन्सन जेल में इतना कैओस और वायलेंस करता है, जिस वजह से वो पूरे ब्रिटेन का सबसे बड़ा वायलेंट कैदी बन जाता है और उसके जैसा कोई और कैदी नहीं था जिसे पुलिस ने बहुत से सेल्स में बंद किया था। आगे ब्रॉन्सन की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से पुलिस उसे पागलखाने में शिफ्ट कर देती है और ब्रॉन्सन उधर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो कभी वहाँ के स्टाफ को मारता तो कभी उनकी दी हुई दवाइयों को ना लेता, क्योंकि वो दवाइयाँ उसे फिजिकली वीक करती थी, पर फिर भी स्टाफ मेंबर्स उसे कुछ इस तरह दवाइयाँ देते थे। आगे ब्रॉन्सन को जॉन नाम का पेशेंट मिलता है, जो उसे एक 9 साल की छोटी बच्ची के साथ गलत काम करने की बात करता है, जिसमें ब्रॉन्सन उसे कुछ ऐसा रिएक्शन देता है। फिर ब्रॉन्सन बताता है कि वो मेंटल हॉस्पिटल में रहकर फेमस नहीं हो सकता था, तो उधर से निकलने के लिए वो एक दिन उसी जॉन नाम के पेशेंट को उसका गला एक कपड़े से दबाकर मारने लगता है। लेकिन उस पेशेंट के मरने से पहले उधर की सिक्योरिटी ब्रॉन्सन को पकड़ लेती है। आगे वो ऑडियंस को बताता है कि मेंटल हॉस्पिटल से उसका निकलने का ये तरीका खरा नहीं उतरता और उसे वापस जेल भेजने की जगह अथॉरिटी उसे एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज देती है, जिसका मतलब ब्रॉन्सन को बाकी लोगों से दूर रखा गया था। और ब्रॉन्सन के वायलेंस बिहेवियर के कारण कोर्ट ब्रॉन्सन की 7 साल की सज़ा और 7 साल बढ़ा देता है। और ब्रॉन्सन बताता है कि उसने इतने सालों की सज़ा में एक भी मर्डर नहीं किया था। आगे ब्रॉन्सन ऑडियंस को एक वीडियो दिखाता है, जिसमें वो मेंटल हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर चढ़कर प्रोटेस्ट करता है और बताता है कि उसने उस हॉस्पिटल का अकेले ही लाखों पाउंड्स का नुकसान कर दिया था, जिस वजह से ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया समझ जाती है कि ब्रॉन्सन पागल नहीं है और उसका और लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना उनके खर्चों को बढ़ा सकता था, जिस वजह से हॉस्पिटल अथॉरिटी उसे सेन सर्टिफिकेट देकर छोड़ देती है। हॉस्पिटल से रिलीज होने के बाद वो अपने मॉम डैड से मिलता है, जो उसे लेने आए थे। और थोड़ी ब्रीफ रियूनियन के बाद ब्रॉन्सन अपने अंकल जैक से मिलने ल्यूटन जाता है और उसके अंकल से उसे पता चलता है कि उसके जेल का साथी पॉल भी ल्यूटन में रहता है। और ब्रॉन्सन उससे मिलने जाता है, जो कि एक क्लब का ओनर बन चुका था। पॉल उसे एक बेयर नकल बॉक्सर बनने का ऑफर देता है, क्योंकि ब्रॉन्सन को लड़ना बहुत पसंद था और अंडरग्राउंड बॉक्सिंग करने से वो अच्छे पैसे भी कमा सकता था। ब्रॉन्सन उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर पॉल उसे उसका असली नाम माइकल पीटरसन से बदलकर चार्ल्स ब्रॉन्सन रखने के लिए कहता है और ब्रॉन्सन ऐसा ही करता है। और अब हम जान चुके हैं कि ब्रॉन्सन का असली नाम क्या था और उसका नाम चार्ल्स ब्रॉन्सन कैसे पड़ा। और इसी बीच ब्रॉन्सन अपने अंकल जैक के क्लब की एक लड़की एलिसन के क्लोज होने लगता है। आगे ब्रॉन्सन नकल बॉक्सिंग की वायलेंस को एंजॉय करने लगता है और बहुत सी फाइटों को वो बड़े ही आराम से जीत जाता था, पर इतनी मामूली जीतों से ब्रॉन्सन खुश नहीं था, जिस वजह से वो कभी दो आदमियों के साथ अकेला लड़ता तो कभी खतरनाक कुत्तों से भी। फिर कुछ दिन बाद ब्रॉन्सन एलिसन को प्रपोज करता है, पर वो उसे मना कर देती है क्योंकि वो एक ब्रायन नाम के लड़के से प्यार करती थी और वो उसे कहती है कि ब्रायन के पास एक बाइक भी है। ये सुनकर ब्रॉन्सन एक शॉप में जाकर 1000 पाउंड की एक रिंग चुरा लेता है और चोरी के बाद ब्रॉन्सन वहाँ की एक लेडी वर्कर को 15 मिनट बाद पुलिस को बुलाने के लिए कहकर चला जाता है। फिर ब्रॉन्सन रिंग लेकर एलिसन के पास आता है, इस उम्मीद में कि अब वो उसे शादी के लिए हाँ कर देगी, पर एलिसन उसे मना कर देती है
क्योंकि ब्रायन और वो शादी करने वाले थे। फिर सीन ब्रॉन्सन को जेल में उतरते हुए दिखता है, जहां वो बताता है कि रिंग की चोरी करने के बाद पुलिस ने उसे 15 मिनट के अंदर ढूंढकर पकड़ लिया था और ब्रॉन्सन अपनी 69 डेज की आजादी के बाद दोबारा जेल लौट आया था। जेल के अंदर बंद होने के बाद एक ऑफिसर उसके पढ़ने के लिए बुक्स लाता है, पर ब्रॉन्सन अपने सेल का दरवाजा बंद करके उसे हॉस्टेज बना लेता है और उस ऑफिसर को छुड़वाने के लिए रीइन्फोर्समेंट का इंतजार करता है। कुछ देर बाद जेल का गवर्नर ब्रॉन्सन से फ़ोन पर बात करके पूछता है कि वो उनसे क्या चाहता है, जिस पर ब्रॉन्सन कहता है कि वो जानता है कि उसे क्या चाहिए और ब्रॉन्सन फ़ोन कट कर देता है। दरअसल ब्रॉन्सन इनडायरेक्टली गवर्नर से जेल के ऑफिसर्स को लड़ने भेजने के लिए कहता है। रीइन्फोर्समेंट से लड़ने के पहले ब्रॉन्सन नेकेड होकर अपनी बॉडी पर पेट्रोलियम जेली लगाता है और जेली लगाने को वो अपना बॉडी आर्मर बताता है, जिससे ऑफिसर्स को उसे पकड़ने में मुश्किल होती है। आगे रीइन्फोर्समेंट उसके सेल का दरवाजा खोलकर अंदर आती है और उनके आते ही ब्रॉन्सन उन पर टूट पड़ता है, पर ऑफिसर्स उसे किसी तरह से काबू करके बांधकर बिठा देते हैं। तभी जेल का गवर्नर उससे मिलने आता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने अपना बिहेवियर नहीं सुधारा तो वो जेल के अंदर ही मारा जाएगा। आगे ब्रॉन्सन हमें जेल की आर्ट क्लासेस में ड्राइंग्स बनाते हुए दिखता है और उसकी ड्राइंग्स देखकर प्रिजन का आर्ट टीचर मिस्टर डैनियल्सन काफी इंप्रेस्ड हो जाता है और वो ब्रॉन्सन की बहुत तारीफ करता है। वो ब्रॉन्सन को खुद को उसके आर्ट में दिखाने के लिए इनकरेज करता है। ब्रॉन्सन कुछ टाइम तक के लिए एक शांत इंसान बन जाता है और अपना ज्यादातर वक्त अपने आर्ट को देने लगता है और अपने अंदर के दर्द और कन्फ्यूजन को ड्राइंग्स में बनाने लगता है, और हम जान पाते हैं कि आर्ट ब्रॉन्सन को वायलेंस से दूर रखता है। आगे ब्रॉन्सन का शांत बिहेवियर और उसके आर्ट की तारीफ सुनकर जेल का गवर्नर उसे मिलने बुलाता है और ब्रॉन्सन को हमेशा के लिए ऐसा ही बनकर रहने के लिए कहता है। फिर गवर्नर उसे बताता है कि वो लोग कुछ दिनों में आर्ट फैसिलिटी को बंद करने वाले हैं, जिस वजह से ब्रॉन्सन आगे आर्ट बनाना कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, और ये सुनकर ब्रॉन्सन गुस्से में इंप्रेशनलेस खड़ा रहता है, जो कि जाहिर है कि उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। आगे डैनियल्सन ब्रॉन्सन को दिलासा देता है कि जब लोग उसके आर्ट को देखेंगे और उसके शांत बिहेवियर के बारे में कोर्ट को पता लगेगा तो वो ज़रूर उसे जल्द ही रिलीज कर देंगे, क्योंकि वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट है। और डैनियल्सन उससे कहता है कि इस सब के बाद वो जो चाहता है उसे मिल जाएगा। ब्रॉन्सन उससे पूछता है कि वो क्या जानता है कि उसे क्या चाहिए। डैनियल्सन उससे कुछ भी जवाब नहीं देता और ब्रॉन्सन डैनियल्सन को पकड़कर अपना हॉस्टेज बना लेता है और उसे एक पोल से बांध देता है और खुद को नेकेड करके अपनी बॉडी पर ब्लैक कलर कर लेता है। आगे हम गवर्नर को उससे पूछते हुए देखते हैं कि इस बार उसकी क्या डिमांड है। ब्रॉन्सन गवर्नर को उसके लिए म्यूजिक चलाने के लिए कहता है, वरना वो डैनियल्सन को मार देगा। गवर्नर उसके लिए म्यूजिक प्ले करवाता है और ब्रॉन्सन म्यूजिक को एंजॉय करते हुए पोल से बंधे डैनियल्सन के चेहरे पे अपना आर्ट बनाने लगता है और ब्रॉन्सन का आर्ट कुछ इस तरह दिखता है। अपना आर्ट देखने के बाद ब्रॉन्सन को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और वो अपना फेट एक्सेप्ट करता है कि वो कभी किसी चीज़ के लिए नहीं बदल सकता और वह हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा वो है। फिर ब्रॉन्सन गार्ड्स को दोबारा लड़ने के लिए अंदर बुला लेता है और एंड में हम चार्ल्स ब्रॉन्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के इस सेल में बंद देखते हैं, और आप ब्रॉन्सन की हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रॉन्सन को वायलेंस किस हद तक पसंद थी। और इसी सीन के साथ ये फिल्म भी यहीं एंड हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स। फिल्म के एंडिंग के दौरान हमें बताया जाता है कि चार्ल्स ब्रॉन्सन ब्रिटेन का मोस्ट फेमस प्रिजनर था। ब्रॉन्सन ने 34 साल जेल में बिताए हैं, जिसमें से 30 साल तो खाली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के थे। चार्ल्स ब्रॉन्सन को अभी तक जेल से रिलीज नहीं किया गया है। चार्ल्स ब्रॉन्सन को पहले ये फिल्म देखने के लिए अलाउड नहीं किया गया था और ब्रॉन्सन ने कहा था कि अगर ये फिल्म उनकी मॉम को पसंद आएगी तो ये उनके लिए काफ़ी होगा। बाद में फिल्म के डायरेक्टर ने बताया था कि ब्रॉन्सन की मॉम को ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी और 2011 में चार्ल्स ब्रॉन्सन को भी ये फिल्म देखने के लिए अलाउड कर दिया गया था। चार्ल्स ब्रॉन्सन ने अपनी मूछें शेव करके टॉम हार्डी को भेजी थी ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसे सेट पर यूज कर सकें। इस फिल्म के लिए पहले जेसन स्टैथम को भी अप्रोच किया गया था, पर डेट्स ना होने की वजह से वो ये फिल्म नहीं कर पाए थे। 1976 के दौरान जब ब्रॉन्सन पार्कहर्स्ट प्रिजन में थे तब उनकी मुलाकात ब्रिटेन के नोटोरियस क्रे ट्विन से हुई थी, और कोइंसिडेंटली टॉम हार्डी ने उन दोनों भाइयों का रोल 2015 में आई फिल्म लेजेंड में प्ले किया था। तो ये थे इस फिल्म के कुछ फैक्ट्स, होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द लेमन मंकी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी बेहतरीन मूवीज़ की स्टोरी एक्सप्लेनेशन मिस ना कर पाएं। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे सिनेमैटिक।